हैकर्स के हवाले से टेक्नोलॉजी में कुछ बात करें, हाँ टेक्नोलॉजी की जहाँ बात बिल्कुल, हो वहाँ हैकर्स बहुत की का जिक्र क्यों नहीं ठंडा आएगा? था पिछले दिनों, व्हाट्सएप नया आ गया, पुराना चला गया, फेसबुक को और तमाम ऐप्स को इकट्ठा कर दे ताकि हाँ, आपका डाटा सिक्योर रहे। बल्कि व्हाट्सएप का कुछ अरसे से इशू चला आ रहा है। पहले व्हाट्सएप ने कुछ ऐसा वो एक फीचर मुतारिफ करवाया था जिसपे सार्फिन को एतराज हो गया था कि हमारा डेटा इससे लीक हो सकता है। तो अब व्हाट्सएप के हवाले से ही एक और इसी तरह की खबर है, और वो ये है कि सिक्योरिटी इदारों ने खबरदार किया है तमाम सार्फिन को कि जो हैकर्स हैं उन्होंने नए नए तरीके निकाल जो लिए हैं हैकर्स है ना, व्हाट्सएप को ये हैक करने बहुत का। खतरनाक किस्म के लोग हैं ये। आपका मुझे तो डर है कि कभी कभी एक वक्त ऐसा ना आ जाए कि आपके दिमाग को भी हैक कर लें और आपके दिमाग की जो चीजें वो निकालने शुरू खैर कर ये दें। दूर की बात है, अभी दूर दूर की की बात बात है कि अगर ये मोबाइल के अंदर से व्हाट्सएप से डाटा निकाल लेना जो आपके हाथ में है, फिर भी उसमें से डाटा कैसे चोरी हो सकता है, ये तो बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। लेकिन लैपटॉप मशीनों से डेटा हैक करना आसान होता है। इंसानी दिमाग गो के एक मशीन की तरह ही है, मगर नहीं, फिर बहुत भी सारे एक लोग हैं, लोगों के दिमाग पढ़ते हैं, इस तरह के लोग हैं, वो डाटा हैकिंग ही होता है। ठीक है जी, तो चले मान लेते हैं। तो आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप के किस तरह से उसको हैक करने की तैयारी हैकर्स ने कर ली, और किस तरह सिक्योरिटी इदारों ने तमाम सार्फीन को, हम भी व्हाट्सएप के साथ इस्तेमाल करने वाले बिल्कुल, सार्फीन में हम शामिल हैं, नहीं, किस तरह से मोस्ट ऑफ खबरदार किया है। पीपल्स अब जो है व्हाट्सएप पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इस हवाले से रिपोर्ट है, आइए देख लेते हैं। समाजी राबते की नामवर एप्लीकेशन व्हाट्सएप को हैक करने के लिए हैकर्स ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है, जिससे बचना अब आपकी जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी माहिरीन की जानिब से दुनिया भर के सार्फीन को खबरदार किया गया है कि अगर उन्होंने एहतियात से काम ना लिया तो उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो सकता है, क्योंकि हैकर्स इस मकसद के लिए नए तरीकों से सरगर्म हो गए हैं। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि नया तरीका वारदात में हैकर्स व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करने के लिए लोगों को किसी करीबी दोस्त की जानिब से एक पैगाम भेजते हैं, जिसमें एक ऐसा कोड होता है जो 6 हिंसों पर मुश्तमिल होता है। भेजे गए इस पैगाम में सार्फीन से कहा जाता है कि आपको गलती से ये कोड भेज दिया गया है, बराए मेहरबानी इसे फौरी तौर पर वापस भिजवा दें। सारिफ जैसे ही हैकर को अपना करीबी दोस्त समझकर इसका व्हाट्सएप पैगाम वापस भेजता है तो जवाब में हैकर इसका व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लेता है। सिक्योरिटी माहरीन का मजीद कहना है कि अब हैकर्स की नई नई चालों से सार्फीन खुद होशियार रहें, क्योंकि इस तरीके वारदात से न सिर्फ व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो सकता है बल्कि आपके क्लाउड का कंट्रोल भी हैकर के पास चला जाएगा। इस हवाले से सिक्योरिटी माहरीन ने सार्फीन से अपील की है कि अगर वो चाहते हैं कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैकर से महफूज रहे तो वो ऐसे पैगाम को फौरी तौर पर अपने मोबाइल से न सिर्फ डिलीट करें और इनका जवाब भी ना दें। ठीक है जी, हैकर्स की हमने बात कर ली। व्हाट्सएप इमरान, हाँ से जी, हमें थोड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। एहतियात करनी पड़ेगी, लेकिन सिक्योरिटी जो एजेंसियां हैं, इदारे हैं, उनको भी हमारे लिए कुछ ऐसे इंतजाम करने पड़ेंगे, क्योंकि हैकर से डील करना एक आम बंदे वो के बस की लंबा बात तो काम है, होती नहीं अब है। एहतियात करना और वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें एहतियात करनी बिल्कुल। पड़ेगी।